आज हमारे साथ एक ऐसे पीड़ित है जो कि आत्महत्या करने जा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें समझाया और हमारे पास भेजा। ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए, राजू बिहारी से तंग आकर इन्होंने कुछ गलत कदम उठाने की कोशिश की है। उसका नाम राजू पाली भी है और राजू बिहारी भी उसे कहा जाता है। सर आपका नाम बताएं। देवीदास तुकाराम डांगरे। क्या मैटर है, क्यों आपने ये गलत कदम उठाने की कोशिश की? खेती करने के लिए जमीन ली थी, इन्होंने क्या कहे प्लाट डाले और बाद में इन्होंने पूरा यानी गोलमाल किए और अभी अपने को कुछ यानी बेचेंगे बोले तो उसमें अभी 5 साल निकल गए। तो खेती जो आप लोगों ने लिए थे, तो खेती किसके नाम पर लिए थे? खेती मेरा नाम है, राजू पाली का है और 2 पार्टनर है। अच्छा, मतलब 4 पार्टनरों के नाम पर आप लोगों ने कितनी जगह? 2 एकड़ परसुड़ी में है कामटी तहसील और 2.5 एकड़ धानुली में है कुई तहसील आती है। मतलब टोटल 4.5 एकड़ का मामला है ये। तो आप दोनों जगह पर आपका नाम है रजिस्ट्री? हाँ, दोनों जगह पे है, लेकिन ये अपने को धमकी देते हैं। कौन धमकी दे रहा आपको? ये राजू पाली। राजू पाली क्या धमकी दे रहा? कि तेरा कुछ नहीं है। अच्छा, और पावर मांगता है। अच्छा, वो तो समझता नहीं है लेकिन वो पावर की बात करता है। पावर मतलब यानी तहसील में पावर हमको दे दे बोलते तहसील। अच्छा, पावर मांग रहा है वो? हाँ, भी बना नहीं है, बना नहीं, प्रेशर डाल रहा है आप पर। प्रेशर डाल रहा है। तो आपके घर वाले भी इस पूरे मैटर की वजह से डिस्टर्ब हो गए, ऐसा भी पता चला? बच्चे घर वाली। तो अभी आप क्या कर रहे हैं काम? काम अभी अपना कूली का काम चल रहा। कूली का? तो बताए, 4.5 एकड़ जमीन का मालक 200 और 300 रुपए रोजी में काम कर रहा है सिर्फ राजू बिहारी और उर्फ राजू पाली की वजह से। गुंडागर्दी का आलम यह है कि जब ये लोग फैमिली वाले जब जाते हैं तकाजा करते हैं तो धमकी दी जाती है कि हमारे नाम पे पावर कर दो, नहीं तो तुम्हारा खेल खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा ही कहा जाता है। तो जान से भी मारने की धमकी देते हैं क्या? तो आपने पुलिस में कंप्लेंट नहीं डाले क्या? नहीं, पुलिस वाले बोले ये कोर्ट का मामला है। अच्छा, जा नहीं सकते गरीब आदमी। तो देखिए व्यूअर्स, कई बार ऐसा होता है कि रिवर्स में उसने 2.5-3 साल पहले के मेरे नाम से रिपोर्ट डाला था। किस चीज की? कि ये उल्टे पैसे मांग रहा मेरे को 50 लाख और मेरे को धमकी देता ऐसा करता। अच्छा, आप देखिए व्यूअर्स, ये लग रहे हैं कि बंदे आपको धमकी देने के लिए जो कूली का काम कर रहे हैं पिछले 5 सालों से, इन पर ही राजू बिहारी ने इल्जाम लगा दिया है कि ये धमकी देते हैं। तो हम इस मैटर पर नागपुर के कमिश्नर अमितेश कुमार हो या चाहे ग्रामीण के SP हो पोदार साहब, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जिला कलेक्टर हो या कामटी की तहसील, आप लोगों की क्या राय है कमेंट में बताएं। NNTV के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और कुछ कहना?